जय हिंद फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही गहरा सवाल आया है, मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ। भैया मैं जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और जेई मेंस में अच्छी खासी रैंक है, अराउंड 10,000। एक दिन अचानक ही घर में पॉलिटिक्स की बात चल रही थी और ज्ञान बाबी मस्जिद से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ जनरल नॉलेज नहीं है। फिर डिस्कशन ख़त्म होने के बाद मैंने यूट्यूब पे कुछ इससे रिलेटेड वीडियोस देखी। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं समाज से बिल्कुल ही दूर हो गया हूँ। देश में अपनी इतनी सारी चीज़ें हैं जो सॉल्व करने को हैं और मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज़ हेल्प। अंकुर सिंह, कानपुर। देखो अंकुर जी, सबसे पहली बात कि आपका जो फेस चल रहा है जेई एडवांस का पेपर आने वाला है अभी, इस समय पर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें तो नहीं ही देखनी चाहिए, क्योंकि आपका मेन मकसद अभी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप अपने आप खुद बताइए कि क्या आप ऐसे ओहदे पर हैं, क्या आप ऐसी उपाधि रखते हैं कि आप देश में किसी भी स्तर पर कोई बदलाव ला सकें? नहीं रखते हैं, तभी आपने ये सवाल पूछा है। क्योंकि आपके पास ऐसी हैसियत नहीं है, आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप किसी सिस्टम को, किसी लॉ को, किसी रूल को चेंज कर सकें या ऑल्टर कर सकें किसी भी तरीके से। तो आप कुछ कंट्रीब्यूट कैसे कर पाएंगे? आपको उस स्तर पे पहुंचना पड़ेगा ना सबसे पहले तो। और अभी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आपको इन चीज़ों की नॉलेज है, आपको कुछ भी नहीं अभी पता है और आप चाहते हैं कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करें। नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सबसे पहले आपको उन एलाइट पीपल जो है, जो एक्चुअली में कुछ कर रहे हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जो भी देश में परिवर्तन करना चाह रहे हैं किसी भी अपने अपने स्तर पर, वो एक उपाधि रखते हैं अपनी, और आप अभी उस स्तर पे नहीं है तो आप अभी किसी भी रूल को चेंज करने के लिए सीधी सीधी भाषा में लायक नहीं है। पहले आप अपने भविष्य को बचाएं। पहले 10,000 रैंक जेई मेंस में, मतलब आपकी कई हद तक संभावना है कि आप जेई एडवांस भी क्रैक कर लेंगे और एक अच्छी रैंक प्राप्त करेंगे और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे। पर अगर आप इन्हीं वीडियोस में फंस के रह गए तो बहुत ही कम चांस है कि आप उस स्तर तक पहुंच जाएं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। कंट्रीब्यूट करने के लिए देखिए, आपको पहले वो मुद्दे समझने पड़ते हैं, उनको समझो तो पहले। और समझ कैसे आएगी? समझ आएगी मेनली इतिहास पढ़ के। एक्चुअली मुद्दा चालू हुआ कैसे था, कहाँ से हुआ था, वो सब कैसे पता चलेगा? इतिहास से। यूट्यूब पे कई हद तक वीडियो सब अपने अपने ओपिनियन से डालते हैं और आप दूसरों के ओपिनियन सुन रहे हैं, आपका कोई अपना ओपिनियन है ही नहीं। कोई वीडियो आपको अच्छी लगी, हाँ भाई मैं इसके साथ खड़ा हूँ, ये बात सही बोल रहा है, ऐसे कैसे सही बोल रहा है भाई? आप अपने स्तर पे तो कोई रिसोर्सेज इकट्ठा करिए, अपने स्तर पे तो कोई जांच पड़ताल करिए, अपनी एनालिस्ट तो करिए, किस तरीके से आपने कह दिया वो सही है। आप अपने इतिहास को तो पढ़िए, वो मुद्दा उठा कैसे है, ये दंगे हो क्यों रहे हैं, गवर्नमेंट ये रूल ला रही है क्यों ला रही है, ये आपने कोई रिसर्च नहीं करा। आप बस ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर दंगे हो गए हैं, यहाँ पर इस तरीके से आग लग गई है, लोग मर रहे हैं। नहीं, कोई परिवर्तन लाना तो उस मुद्दे को पहले समझना तो पड़ेगा ही, और इस समय आपके पास समझने का टाइम नहीं है। और मैं आग्रह करूंगा, अगर आपको इतना ही मन है पॉलिटिक्स में कुछ चेंज करने का, या फिर पॉलिटिक्स के अंदर लाने का, या देश में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस में बदलाव लाने का, तो अपने एग्ज़ाम के बाद ही इन रिसर्चेज में लग जाइए, अपने इतिहास को पढ़ना चालू कर दीजिए, जो कि आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना देगा। समझ रहे हैं ना अंकुर जी? उम्मीद करता हूँ आप जेई एडवांस में भी अच्छी रैंक लाएंगे। जय हिंद।